आप सभी को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ, इस्तकबाल पेश करता हूँ कि आप सब उस दौर में यहाँ पे खड़े हैं जब लोग यहाँ खड़े होने से कतरा रहे हैं, ये मोबाइल में अपनी सारी जिम्मेदारियों को निर्वाहन कर देते हैं, लोग फेसबुक पे सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाहन कर देते हैं। ऐसे दौर में आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ बोल रहे हैं और आप पिछड़े क्या इंकलाब कर रहे हैं, इंकलाब की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मित्रों, आज अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, मैं नमन करता हूँ गांधी जी को, मैं नमन करता हूँ सत्य और अहिंसा के पुजारी को, मैं नमन करता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लाल को जिसने देश की आजादी के लिए हम सबकी आजादी के लिए प्राण को न्योछावर करके अपने सीने पे गोली खाई थी, उस शहीद लाल पतंजलि को मैं नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ शोभनाथ सरगप्पू के बारे पीला आनंद ने पूछा सर अध्यक्ष। साथियों, ये जो छात्र महापंचायत, इसका ऐलान इसलिए किया गया था क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर प्रशासनिक अराजकता इस कदर हावी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जहां पे 112 वर्षों में फीस नहीं बढ़ाई गई, 136 सालों का इतिहास, 112 वर्षों बाद यहां 400% की फीस वृद्धि कर दी जाती। और मुझे तो किस बात का है, मुझे इसलिए छात्र महापंचायत का ऐलान करना पड़ा क्योंकि फीस वृद्धि हो जाती है, कुछ चंद लोग लड़ते हैं पर जिनकी फीस वृद्धि होती है वो हमारे साथ खड़ा नहीं होता। आज मुझे खुशी है कि कुछ चंद सैकड़ों छात्र हमारे साथ खड़े, पर मुझे अफसोस आज भी कि आज के छात्रों के लिए अपने माता पिता के अरमानों से ज्यादा बढ़ के अपनी खुशियां अपने दोस्तों के साथ घूमना ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके लिए। इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आज फीस भरी है हॉस्टलों की, आज फीस भरी है विश्वविद्यालय की। अगर आज आप चुप रहेंगे तो मैं यकीन से करके कह सकता हूं कि मुझ जैसा आप जैसा तमाम गरीब किसान मजदूर छोटे व्यापारियों का बेटा शायद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ना पढ़ पाए। आज आप सभी की जिम्मेदारी थी, आप सभी की जिम्मेदारी है किस लड़ाई में जो हमने संघर्ष छेड़ा है, जो हमने शुरुआत की है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ताना शाहों से बचाने का, उसमें आप हमारा साथ देंगे, उसमें आप हमारा सहयोग करेंगे। साथियों, एक शेर बड़ा प्यारा लगता है, मैं कहना चाहूंगा कि वह सुने प्यार चाहे तो टकराना जरूरी है। आप अपने आप को युवा कहते हैं, छात्र कहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा वसूलो प्यार चाहे तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। साथियों, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति जिसका वह पूरा विश्व मानता है, पूरा देश मानता है, जिसने बड़े बड़े तानाशाहों को उनके कुछलों पर बल खड़ा कर दिया, ऐसे विश्वविद्यालय के छात्र खामोश। आज आपसे अहंकार लगता है इलाहाबाद के छात्र सब, आप कहता है कि अहंकार करिए, अहंकार करिए, संघात करिए इस विश्वविद्यालय की तानाशाही के खिलाफ। साथियों, एक सर है कि फर्क ने जहां ठानी है बिजलिया गिराने, फर्क ने जहां ठानी है बिजलिया गिराने को, तुमसे कह दो हमने भी ठाने है वही आसिया बनाने को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का साथ। संख्या पल के से नहीं डरता, आपके तदबीर से नहीं डरता, आपके तमन से नहीं डरता, इंकलाब की आवाज